आप दिवेंस वॉइस सुन रहे हैं। यह ऐसा चैनल है जहां पर आपको डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचार सत्य तथ्य और संदर्भ के साथ बताए जाते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 1915 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से MA और 1917 में अर्थशास्त्र विषय में PhD संपन्न की। अर्थशास्त्र में PhD करने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तत्कालीन समय के प्रथम भारतीय थे। अगस्त 1917 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमेरिका से भारत वापस आए। 10 नवंबर 1918 के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सिडनहाम कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया। 27 जनवरी 1919 के दिन साउथ बरो कमेटी के समक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अस्पृश्य समाज की व्यथा वेदना को रखकर अपना बयान दर्ज करवाया था। उन्होंने कहा, अस्पृश्यता ने न केवल अछूतों के व्यक्तित्व के विकास को अवरुद्ध किया है, वरन उनकी आर्थिक उन्नति के पथ पर भी कांटे बोए हैं। अस्पृश्यता ने अछूतों के नागरिक अधिकारों को हड़प लिया है। आपको अगर हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।